इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ध्यान देंगे, देख सुन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही अपना जितनी भी सारी चीज़ें हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट, एक थोड़ी देर एसी बंद कर दो, फिर वापस चालू करना, गड़बड़ हो रही है। बहुत आवाज़ कर रहा था यार। पढ़ाई चालू करो, रफ्तार में पढ़ाते हैं, शुरुआत का बहुत बेसिक सा फालतू की कहानी नहीं सुनते हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली हमने क्या करा ना, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एनालिसिस करा। मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात समझाता हूँ कि हुआ क्या, उसे समझते क्या हुआ, ध्यान देखना। अगर आप बहुत ध्यान दोगे तो मान लो कहीं पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या थी, मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और उसका फिर कंक्लूजन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक समझने वाली बात चाहिए। मान लो किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड थी, वहां पे एक लूप रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? लूप। वहां पे एक लूप रखा हुआ था, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, चलो भाई लूप रखा हुआ था। अब हुआ क्या कि यहाँ पे लूप रखा हुआ, ठीक भाई, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट थी, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम एक दिन क्या हुआ कि एकदम से मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थी, ऐसा रखा हुआ था, लूप रखा हुआ था, कोई टेंशन नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई। मान लो लाइट वाइट चली गई तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई, हो गई उसमें क्या, ठीक, वापस लाइट आएगी तो वापस चालू हो जाएगी। पर जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वर था उसने क्या देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड गई तो इसमें करंट बहा, मैग्नेटिक फील्ड गई तो इसमें करंट बहा, फिर चली एकदम से लाइट आई तो फिर थोड़ा सा बहा, फिर बंद हो गया। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रखो, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई करंट नहीं बहता। बट ये गायब हो जाए या घटे या बढ़े, अगर मान लो एकदम से गायब हुई तो क्या धीरे बी नॉट से जीरो हो गई, बी नॉट से क्या हो गई, जब वापस लाइट चालू तो जीरो से क्या हुई, तो बेसिकली जब ये घटती है या बढ़ती है तो इसमें क्या बहता है, करंट। ओहो, उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ओ साला, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखो किसी लूप में तो कोई करंट नहीं बहता। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड, उसके रीजन बाद में ढूंढे, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, अभी सिर्फ समझें, हम ऐसा समझे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने जो देखा उसको फिर कंक्लूजन निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या ऑब्जर्वेशन थी, ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर इज करंट इन द लूप, देयर इज करंट इन द लूप, बोलो क्लियर, देयर इज करंट इन द लूप। ओ हो हो हो, करंट इन द लूप, अच्छा ये बात समझ में आई, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, वी कैन नॉट चेंज इट, रीजन बाद में ढूंढेंगे, सब बाद में करेंगे, टेंशन ना लें। अभी सिर्फ बात को समझें कि हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट बहा, यानी कि हमने कंक्लूजन निकाल लिया, भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट इन द लूप, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, कांस्टेंट रहेगा तो ये करंट नहीं बहेगा, ठीक भाई साहब, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर सोचा ऐसा होता है तो कुछ और भी कर करके देखते हैं। उन्होंने क्या करा भाई साहब, ऐसे समझो कि आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें उन्होंने क्या करा, ऐसे समझो कि जो लूप था, समझो कि इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, बट कुछ प्रोसेस से इसका आर घटाया या आर बढ़ाया, आप समझो इसको ऐसे करा, ड्र, किसको दबाया, लूप को, एरिया चेंज करा, क्या चेंज करा, आप बोलोगे सर उसे क्या पता है ऐसा करने से होगा, उसने बहुत कुछ करा, पर हम वो ही पढ़ रहे हैं जिससे कुछ चेंज, बोलो क्लियर है एकदम, ऐसा नहीं कि उसने और भी बहुत कुछ करके देखा होगा, बट हम वो ही पढ़ रहे हैं जिससे कुछ चेंज आया। अब उसने क्या करा, इसका रेडियस चेंज करा, बेसिकली उसने क्या चेंज करा, एरिया चेंज, एरिया चेंज ऑल्सो लीड्स टू करंट, ऑल्सो लीड्स टू करंट, क्यों, अगर उसने सबसे पहले बोला था कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो करंट बहता है, फिर उसने थोड़े दिन बाद बोला कि नहीं, खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो करंट बहता है ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रखो पर एरिया चेंज करो तो भी करंट, अच्छा फिर उसने और बहुत सारी और बात करी, उसने क्या करा, देखो ध्यान से, उसने ध्यान से देखो तो क्या करा, उसने मान लो कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ली, मान लो उसमें एक लूप लिया ऐसे, और इस लूप को ऐसे घुमाया ओमेगा से, ऐसे घुमाया ओमेगा से, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, कोई चेंज कि दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, लूप को घुमाया, बोलो क्लियर एकदम, अगर लूप को ऐसे घुमाया तो करंट नहीं बहा, नहीं बहा, करंट नहीं बहा। उसने दूसरे तरीके से रोटेशन करा, ऐसे तो करंट बहा, अभी कोई करंट नहीं बहा, आई इक्वल टू जीरो, इसमें बहा, मतलब घुमाने के ओरिएंटेशन पे भी फर्क पड़ता है। पहली बात क्या, घुमाने पर करंट बहता है, हाँ, पर कैसे, ऐसे घुमाने पे, किया ऐसे तो ऐसे घुमाने से घुमाने में क्या अंतर हो रहा है, सोच, हाँ ऐसे चेंज हो रही, कुछ और सोच, बी और सोचो, कुछ बता, इसमें बी और ए में कितना एंगल है, बी और एरिया, बी और ए जीरो, कितना है, घुमाने पे चेंज हो रहा है क्या, घुमाने पे चेंज हो रहा है क्या, घुमाने पे चेंज, यहां पे बोल बी और ए में एंगल कितना है, जीरो, कितना है, जीरो, पर क्या घुमाने पे चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, हो रहा है, हाँ, यानी कि
कब करंट आता है? जब किसके बीच का एंगल चेंज हो? बी और ए. बी क्या है? ए क्या है? ए क्या है? हाँ यार, ये बात तो चमकी, बिल्कुल सही बात है. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते. हमें पता है भाई साहब, यानी कि तब करंट बहता है व्हेन एंगल बिटवीन, व्हेन एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंजेस. व्हेन एंगल बिटवीन बी एंड ए, यार नहीं आया. तो उसने क्या क्या पढ़ा? देखो देखो देखो, उसने बोला कि भाई बी चेंज करो करंट बहेगा, ए चेंज करो करंट बहेगा, एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज करो तो करंट बहेगा. तो उसका दिमाग ठनका, साला ये कुछ तो ऐसा पढ़ा हुआ है. उसने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. क्या होता है? कुछ याद है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया पढ़ाया था. दोबारा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा. याद है एरिया? एरिया स्केलर वेक्टर. स्केलर वेक्टर क्या? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्या ओपन सरफेस के लिए चूज वन डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम? क्या क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल? हाँ कि ना? क्या एरिया वेक्टर लिखना सिखाया था? उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था. वो एरिया वेक्टर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, सब उसके बारे में आप जानते हो. जो जहां जहां आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, वहां पे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है. डॉट सेम पूरा एक लेक्चर या करीब 45 से 50 मिनट मैंने आपको पढ़ाया था वही सब दोबारा यहाँ पे. जहां पे ई है वहां पे क्या आ जाएगा? बी. याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था. याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ध्यान सुन ध्यान से. इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तेरा इंटीग्रल ई डॉट डी ए. क्या था इंटीग्रल? याद है कि भूल गया? इंटीग्रल ई डॉट डी ए. मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे, याद करे क्यूब रखा था, लाइंस घुसाई थी. याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था क्या? बेसिकली इट इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया. इट इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन. याद करके हमें एनर्जी का आइडिया देता है. किसका आइडिया देता है? फ्लक्स की चीज का आइडिया देता है. एनर्जी का किसका आइडिया देता है? भूल गया कि याद है? याद है कि भूल गया? अब उसका दिमाग ठनका कि बेसिकली साला ये जो है, ये बेसिकली सब कुछ तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइप है. एक्चुअली चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है. अगर आप कोई दूसरी किताब उठाओगे ना, तो आपको रियलिटी में शुरुआत कभी कभी कैसे मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ाते हैं. क्या पढ़ाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं? मैं तो पढ़ा चुका हूँ आपको. फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाते हैं, फिर वो इन सब चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं. मैंने उल्टा करा है थोड़ा सा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. उसने ही ऑब्जर्व करा, रियलिटी में हुआ भी ऐसे ही. अरे भाई हाँ ना बोले यार. उसने सब ऑब्जर्व करा, फिर उसने सोचा इसको और छोटा कैसे लिखा जा सकता है. सोच मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स ई की जगह क्या आ जाएगी? बी. बी डॉट डी ए. बी डॉट डी ए वो एरिया वेक्टर की बातें हैं. वही बी की जितना जहां पे ई लिखा था वहां पे क्या लिखेंगे? दैट्स इट. याद कर इसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला इस यूनिट को कहते हैं वेबर. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि टकला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं. अरे बोलते कि नहीं बोलते? वो यहीं से आया. बेसिकली वेबर इज यूनिट ऑफ व्हाट? फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स यू व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया. इट गिव्स अस अबाउट द आईडिया एनर्जी क्रॉसिंग इन सरफेस. बोलिए सर. नो वही सब कुछ बातें, वैसे ही सवाल, वही सब कुछ. याद कर मैंने आपको छोटे छोटे सवाल कराए थे फ्लक्स के बारे में. मैं जल्दी से बताता हूँ, आप सब लोग मिलकर बताओगे मेरे को ये कैसे आ रही है इसकी. ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है. डिचो 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 की एंगल 37. बोलो फ्लक्स इतना, जल्दी बोलो फटाक से. ये सब कराया था मैंने, ये सब कराया था. बी नॉट ले लो. बोल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है सरफेस से? ये कराया एग्जैक्टली यही सवाल. बी की जगह बी नॉट की जगह लिया था बस. फ्लक्स कितना? बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 37 कॉस 53. 53 37. क्या एंगल एरिया वेक्टर ये है? 53 37. 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5. बोल हाँ कि ना? कोई बुराई? और देख मेरे छोटे छोटे सवाल जो कराए थे वही बता रहा हूँ आपको. दोबारा ध्यान देख. ऐसे आप सरफेस ले लो, ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड ले 45 डिग्री पे. बोल फ्लक्स. बोल फ्लक्स. याद है कि भूल गया? याद कर. फिर ऐसे ऐसे सवाल कराए थे तेरे को, याद होता ढंग से. और 2-3 बार करा चुका हूँ. टिक याद है? याद है इसका एरिया वेक्टर लिख दो. बी लिख दो. याद है क्यूब लिया था? लिया था कि नहीं लिया था? जितने सवाल फ्लक्स में कराए उन सब जगह, उस सब जगह ई की जगह क्या लिख लो? क्या लिख लो? और सॉल्व कर लो, खत्म. वही सब है उसमें, कुछ रॉकेट साइंस दोबारा नहीं कर रहा हूं. तुम्हारे बैच में कंफर्म 110%. फिर जो बोला चमका. इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्लेस ई बाई एंड यूज मैग्नेटिक फ्लक्स. दैट्स इट. बाकी सब कुछ सेम है. अब क्यों इसकी बात करी मैंने? ध्यान से सोच. मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या चीज? बी डॉट डी ए. क्या चीज है? बेसिकली बी ए कॉस थीटा. बेसिकली क्या चीज? बी ए कॉस थीटा. ध्यान से देख. क्या बी चेंज करो ये चेंज होगा? क्या बी चेंज करो ये चेंज होगा? क्या ए चेंज करो ये चेंज होगा? क्या थीटा चेंज करो ये चेंज होगा? अबे इसका मतलब ये कि अगर किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज हो, क्या चेंज हो? क्या चेंज हो? तो करंट आता है. कैसा कंक्लूजन ये बोला जा सकता है? बोल हाँ कि ना यार. क्या चेंज हो? फ्लक्स. बेसिकली अगर एनर्जी एसोसिएटेड विद द लूप इज चेंजिंग, दैट लीड्स टू करंट इन द लूप.
फ्लक्स मीन्स वॉट एनर्जी, फ्लक्स मीन्स वॉट यार नहीं आया, फ्लक्स मीन्स वॉट एनर्जी. इफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द लूप चेंजेस इट लीड्स टू वॉट करंट इन द लूप, इट लीड्स टू वॉट करंट इन द लूप. पहले तो जो बोला चमका, क्या मेरी बात क्लियर है? मुझे लगा ही तो मैं आया आया कुछ कुछ पक्की बात. तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिखाऊं, समझ में आएगा अच्छे से. पहले ये सब डायग्राम बनाओ, या एक काम करो मैं सीक्वेंस में लिखाता हूँ. सबसे पहले लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक. अब मैग्नेटिक फ्लक्स वो लिख लो, और ये लिख लेना मैग्नेटिक फ्लक्स में इट इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, और वी कैन से इट गिव्स अस द इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट एनर्जी क्रॉसिंग. ये दोनों बातें लिख लो. गर्मी लग गई, ये सब लिख लेना अपने शब्दों में ताकि तुम्हें याद रहे कि एरिया वेक्टर वहीं से पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वहीं से पढ़े हैं. याद कर, वहीं पे मैंने तुम्हें सॉलिड एंगल वगैरह भी पढ़ाया था, कुछ याद है? यस सर. वो सब रिलेट करेंगे अब यहाँ से धीरे धीरे करके. लिख लिया ये लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर कहाँ से पढ़ना है अपने को? लिख लिया सबने अपनी भाषा में? अभी उतार लो, लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. जंग से लिखना सब कुछ, नोट्स जंग से बनाना, नहीं तो किसी एक अच्छे बच्चे के नोट्स लेके एंड में तुम्हें स्कैन करके अपलोड करवा दूंगा. क्या कहते हो यार? है ना. फ्रॉम द अबाउ थ्री एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट From the above three experimental observations, we can say that if there is change in flux in the loop, then there is current in the loop. Then there is current in the loop. बोलो क्लियर है? Then there is current in the loop. मैग्नेटिक फ्लक्स में एक छोटी सी बात जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए, वो ध्यान सुने. इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में हमने उस पर इतनी चर्चा नहीं करी थी, यहाँ पर इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियस आर है, बोलो क्लियर. इस लूप से कितना फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, कितना फ्लक्स? बोलो कितना फ्लक्स इस लूप से, फ्लक्स बोलूं तो कितना? क्या बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर या बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू? क्यों? क्या आधे में मैग्नेटिक फील्ड है? तो बी इंटू ए, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही बोल रहे हो एकदम. पर ध्यान रखना कई बार गलती कर देते हैं आगे जाके. बी इंटू ए बच्चा रखता है फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, ए इज द एरिया ऑफ व्हाट लूप, ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. मान लो मैं आपको बोलूं बड़ा लूप, ध्यान समझे, जिसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर है. आपसे पूछे फ्लक्स थ्रू बिगर लूप, ऐसा सवाल आया आपके लिए, क्या आंसर लिखोगे? क्या बी नॉट पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट हो? तो समझने वाली बात क्या है, इन फाई बराबर बी ए कॉस थीटा ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, या एरिया ऑफ द लूप है वो. वो हमेशा पूरा एरिया ऑफ द लूप है ऐसा जरूरी? हाँ, मैक्सिमम सवालों में हो जाता है, वो एक अलग बात है,
बट याद रखेंगे फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा में ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. कौन बेटा इस एसी में मुझसे बहुत आवाज आ रही है, ठीक करवाओ है, याद करके बहुत आवाज कर रहा है. ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. ये चाहो तो ताड़ लो, याद रहेगा तुम्हें. छोटे छोटे से एग्जाम्पल, कोई खास बात नहीं है बट याद होना चाहिए. छोटी छोटी बातें होगी आज तो बहुत. हाँ बोलो भाई, हो गया क्या, लिख लिया क्या, लिख लिया क्या? अब छोटी सी बात वापस यहीं पे करते हैं. अब रियलिटी में ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई करंट बहता है, करंट पर अब दो सवाल थे. करंट कैसे बहता है, मतलब उसकी डायरेक्शन, मतलब उसकी direction. भाई कैसे बहा, आंटी अंकल क्या ऑब्जर्वेशन थी, आंटी बहा अंकल बहा कैसे बहा, सेकंड कितना बहा, सेकंड क्या, दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी. ये तो हमें समझ आ गया कि फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट, पर अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि कितना बहेगा और किस. तो हमारे लिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं कि करंट ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑन चेंजिंग द हाउ मच करंट विल फ्लो एंड इन विच डायरेक्शन. डायरेक्शन निकालने के लिए एक लॉ यूज लिया जाता है जिसे बोलते हैं लेंज लॉ. क्या बोलते हैं? और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दूसरा लॉ यूज लेते हैं जिसे बोलते हैं फैराडेज लॉ. कौन सा लॉ? बोलो क्लियर है एकदम? अरे बात समझ में आई. तो लिखिए ऐसे कि ऑन चेंजिंग द फ्लक्स, ऑन चेंजिंग द फ्लक्स ऑन चेंजिंग द फ्लक्स, ऐसे लिखे डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट वी विल यूज लेंज लॉ, LENZ. For direction of current, लिख LENZ, Lenz law. We will use Lenz law. For magnitude of current, we will use induced EMF. Sorry, we will use Faraday's law. Faraday's law. क्या ये और पागल होता जा रहा है? कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ. अच्छा हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड. तो सबसे पहले हेडिंग डालो लेंज लॉ. कौन सा लॉ? लेंज लॉ. इसमें काफी सारे एग्जांपल करेंगे और याद रखना यही एग्जांपल आगे मैग्नीट्यूड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए पहले ध्यान सुन. लेंज लॉ, मान लो भाई साहब तेरा काम ये है कि हर 5 मिनट में एसी बंद करना और चालू करना. वेरी गुड, मंथली पेमेंट. हाँ अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, अब अगर अपन बहुत ध्यान से, तो लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है भाई? ये तो समझ में आ गया कि करंट बहता है, ये तो समझ में आ गया कि करंट बहता है. बहुत बढ़िया साहब, अच्छे भाई, बहुत बढ़िया. पर कैसे बहता है ये हम समझते हैं. अच्छा जैसे मान लो कि अपन बोले कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, क्या करंट बहेगा? हाँ लेंज लॉ कहता है कि करंट ऐसे बहेगा, करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहेगा जिसने इसे पैदा किया है. करंट फ्लोस, अस्तित्व में करंट, रुक जा लिखो मत. करंट ऐसे बहता है कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया. पैदा किसने करा, मैग्नेटिक फील्ड ने कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज ने? मैग्नेटिक फील्ड ने. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है और कांस्टेंट होती है, क्या ऐसे कोई तकलीफ थी? असलियत में अमिताभ बच्चन है किसका? मोहब्बते का, जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है तो उसे अपोज करता है. किसका अमिताभ बच्चन है? मोहब्बते पिक्चर देखिए, उसका प्रिंसिपल कौन होता है? उसे परिवर्तन पसंद, वो यही है. और चेंज क्या है? शाहरुख खान. तुम अभी आप शाहरुख खान समझ रहे हो, मुझे अमिताभ बच्चन समझ रहे है ना? ये देख ध्यान से. तो बेसिकली इसे परिवर्तन पसंद नहीं, ये कहता है असलियत में करंट ऐसे बहता है
कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा, कॉन्स्टेंट होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। अगर लॉजिकली सोचो तो मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना, मतलब फ्लक्स का अंदर की तरफ बढ़ना क्या कारण है करंट के प्रोड्यूस होने का? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर होना कारण है या अंदर की तरफ बढ़ना कारण है? अंदर की तरफ बढ़ना। ये बढ़ना इसे पसंद नहीं। तो करंट ऐसे बहेगा कि वो खुद किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? किधर किधर? तो बोल करंट कैसे बहेगा? आंटी अंकल, आंटी अंकल, आंटी अंकल, बस यही लॉ है, यही लॉ है। अपनी भाषा में अपन क्या डेफिनेशन है कि करंट ऐसे बहता है कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया। कितना भी डेफिनेशन है, करंट फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। फिर से सुन, दैट इट ट्राइज, करंट फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज, गॉट माई पॉइंट? अरे नहीं आया, पर हमारे हिंदी डेफिनेशन समझ गया कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात। अब सवाल करेंगे बस इसी लॉ पे, चाहो तो लिख लो और कारण लिख लो कि इस केस में लेंज लॉ लिखो पहले, लेंज लॉ लिखो जो लिख रहा हूं, हिंदी में लिखो लेंज लॉ पहले। करंट ऐसे बहता है, हिंदी में लिखो, करंट ऐसे बहता है कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। करंट ऐसे बहता है कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख लिया, अब इंग्लिश में लिखो। करंट फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज, that it tries to oppose the cause which has produced it, that it tries to oppose the cause which has produced it। अभी example लिख लो और इसमें थोड़ा reason भी लिख लेना कि magnetic field का अंदर की तरफ बढ़ना, बढ़ना पे underline कर लेना, कारण है current के produce होने का, इसलिए करंट ऐसे बहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जनरेट करेगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। पहले सवाल में बस ऐसा लिख लो ताकि तुम्हें फील आ जाए, है ना? ऐसे लिखो कि इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना, बढ़ना पे अंडरलाइन कर लेना, कारण है करंट के प्रोड्यूस होने का, इसलिए करंट ऐसे बहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस करेगा। किधर प्रोड्यूस करेगा? बाहर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अपने शब्दों में लिख लो, फील आ जाएगी। इस चैप्टर में आपको याद कर, एक तो ये पढ़ना है एरिया वेक्टर और फ्लक्स, दूसरा आपको पढ़ना है आरसी सर्किट, याद है? बाद में आएगा, याद कर। आरसी सर्किट दो लेक्चर पढ़ाए थे, यहाँ पे आएगा एलआर सर्किट, उतना ही लंबा उतना ही बड़ा। कितनी देर पढ़ाऊंगा? 20 मिनट। कितना? 20 मिनट मैक्सिमम। याद रखना कौन सा सर्किट आएगा, एलआर। तुझे क्या पढ़ के रखना है? आरसी। मैंने तब भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ ये बात, रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हारे बैच में तो 10 मिनट ही पढ़ाऊंगा। लेंज लॉ है ना, लिख लिया सबने अपनी भाषा में। अब सवाल कर लेते फटाफट फटाफट, घटाघट घटाघट। चलिए कुबाच 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 कुबाच, रफ्तार देख पागल हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ घट रही है, करंट बोले, ओरली बोलते चले फटाफट। आंटी अंकल जल्दी बोल, आंटी अंकल जल्दी बोल, आंटी अंकल, आंटी अंकल, आंटी क्यों, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर है? yes, क्या बाहर की तरफ घट रही है? yes, क्या कारण घटना है? yes, तो क्या खुद भी ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि इस घटने को कम करे? yes, तो खुद की तरफ प्रोड्यूस करेगा, बाहर अंदर? बाहर का मतलब आंटी अंकल, अरे आंटी अंकल, आंटी कोई बुरी बात नहीं, वायर है उसमें करंट बह रही है, ऐसे करंट घट रहा है, यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है। बोलो, रफ्तार दीजिए, प्रैक्टिस है प्योर, और उतारते चलो सवाल फटाफट फटाफट।
जल्दी बोलो आंटी अंकल, आंटी अंकल, आंटी अंकल, बोले बाहर की वजह से किधर है? बाहर अंदर, बाहर अंदर, मिनटी फील बाहर की तरफ घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट क्यों रही है? अरे करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी, ये तो लॉजिकल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ घट रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ घट रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ घट रहा है, तो क्या इस घटने को बढ़ाना चाहेगा, तो क्या खुद भी करंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए? आंटी की अंकल, आंटी की अंकल, कोई बुरी वाली बात, करंट ऐसे जा रही है, बढ़ रही है, बोलो यहाँ पे लूप है, जल्दी बोलो अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल कैसे कैसे जल्दी बोलो, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्या बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कैसे घटाना चाहेगा, तो क्या खुद अंदर प्रोड्यूस करेगा? तो अंकल की आंटी, कोई बुरे वाली बात, ओहो एक बड़ा लूप, उसमें करंट जो है बढ़ रहा है, अंदर एक उसकी छोटा लूप रखा हुआ है, बताओ छोटे लूप में करंट कैसे बहेगा? यही सब बाद में मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएंगे सवाल। जल्दी बोल भाई, अंकल आंटी, अंकल आंटी, कैसे बता पड़ा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्या बाहर बढ़ रही है, तो क्या अंदर प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो क्या आंसर अंकल आएगा? कोई बुरे वाली बात नहीं है, चलो करंट ऐसे करंट घट रहा है, लूप इसके बाहर छोटा सा, बोलना पड़ेगा भाई। आंटी अंकल, आंटी अंकल, आंटी क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर है? पर बाहर अंदर है, किसी भी लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो बाहर इन द सेम वे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर बाहर है तो यहां पे अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ नहीं आया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ घटना अगर कारण है नहीं आया, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घटना कारण है तो क्या उसे ही बढ़ाना चाहेगा? तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से आंसर आएगा क्लॉकवाइज। और देख मान लो ऐसे एक टाइम पास पूछ लो, चलो R इज इंक्रीजिंग करंट, बोलो बोलो आर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है? क्या बढ़ते हुए बाहर के फ्लक्स को इसको पसंद नहीं है, तो फ्लक्स की तरफ प्रोड्यूस करेगा अंदर, मतलब क्या खुद मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस करेगा? अंदर का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या तुम सब लोग सही सोच पा रहे हो? डर तो नहीं लग रहा है? हाँ कि ना? और देख मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक लूप है भाई साहब, वी वेलोसिटी से चल रहा है, अभी अंदर घुस रहा है, बोलो करंट,
हाँ बोलो एंटी आंटी अंकल आंटी अंकल आंटी अंकल जीरो क्यों प्लग चेंज हो रहा है क्या कहाँ भैया एरिया बाहर है क्या बात कर रहा है बोलो आंटी अंकल आंटी अंकल सोचो फ्लक्स एरिया ऑफ लूप चेंज हो रहा है क्या नहीं क्या एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन चेंजिंग क्या फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है क्या अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ना इसे पसंद क्या किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा बाहर का मतलब कैसे एंटी क्लॉक वाइज कैसे एंटी क्लॉक वाइज जब ये पूरा लूप अंदर चला गया आप बोलो अब बोलो क्यों जीरो अब बोलो कोई फ्लक्स में चेंज अब बोलो अब बोलो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है चलो भाई सिंपल ये सब सवाल आ जाएंगे अभी न्यूमेरिकल के साथ एक लूप ऐसे सेमी सर्कल यहां पे हिंज समझ में आया आधी मैग्नेटिक फील्ड है आधी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ऐसे घूम रहा है जब अंदर जा रहा होगा तो करंट जल्दी बोलो आंटी अंकल लॉजिकल है जब अंदर जाएगा तो क्या एरिया बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा तो क्या अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो खुद कैसे प्रोड्यूस करना चाहेगा बाहर बाहर का मतलब क्या करंट ऐसे बहेगा भाई साहब आंटी की अंकल अगर आप लॉजिकली सोचो देखा आंटी पर जब ये पूरे T/2 टाइम बाद पूरा अंदर आ जाएगा क्या फिर बाहर निकलेगा जब बाहर निकलेगा तो क्योंकि तब एरिया घटेगा तब एरिया तो इसका आंसर है अंदर घुसेगा तो आंटी बाहर निकलेगा तो बोलो क्लियर एकदम उतार लो दोनों लिखते चलो फटाफट फटाफट प्रैक्टिस है प्योर एक लूप में करंट ऐसे बह रही है आई और ये आई बढ़ रही है यहां से कुछ दूरी पे एक छोटा लूप है अगर आपकी आंखें यहां पर है तो बताओ इस छोटे लूप में कैसे करंट बहेगा बोल भाई बोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरे तो क्या इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है अच्छा करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इधर से देखो तो इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ रही है यार नहीं आया अगर आप ध्यान देखो तो उस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगी ना अरे होगी कि नहीं होगी अब इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वो बढ़ रही है क्यों क्योंकि करंट अब इस लूप में इधर की तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इधर की तरह मैग्नेटिक फील्ड तो ये घटाना चाहेगा तो करंट कैसे बहेगा क्लॉकवाइज कैसे बहेगा कैसे बहेगा सन्नाटे में चले गए कैसे बहेगा क्लॉकवाइज बोलो क्लियर है क्या yes, अरे आवाज नहीं कैसे बहेगा क्लॉकवाइज सबने बोला ठीक मैंने ही बोला बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजा आया वाह वाह और देख ऐसे सवाल कैसे होते हैं मान लो एक मैग्नेट है भाई साहब नॉर्थ साउथ ऐसे चल रही है भाई साहब यहाँ पे एक लूप रखा है भाई साहब इसे ऐसे दौड़ रही है भाई साहब लूप की तरफ यहाँ पे अपनी आँख है भाई साहब बताओ लूप में कैसे करंट बहेगा
है। बोलो क्या मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन्स निकलती है? क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है? अगर मैग्नेट पास जा रही है, अगर मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। आप ध्यान दें तो ऐसे लूप रखा हुआ है, इधर से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ बढ़ रही है, क्या ये खुद मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करना चाहे? यार हाँ ना बोल। अगर इधर प्रोड्यूस करना चाहेगा खुपच खुपच खुपच, क्या करंट ऐसे बहाएगा? ऐसे बहाने का मतलब दूसरा लॉजिक सुन, सोच कारण क्या है मैग्नेट का होना कि दौड़ना? दौड़ना। तो ये खुद कैसी मैग्नेट बनेगा जो इसको अपोज करे? सपोर्ट। अपोज करने का मतलब क्या? इधर इसका नॉर्थ पोल बनना चाहिए और इधर इसका, सोच इधर नॉर्थ बनने के लिए क्या ऐसे ही घूमना चाहिए करंट? अरे लॉजिक समझ नहीं आया यार, नहीं आया। दूसरा लॉजिक क्या समझना, ध्यान सुनना, क्योंकि आप लूप को मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं। मैग्नेट का होना कारण है यहाँ पे करंट के आने का कि दौड़ना कारण है? दौड़ना। ये दौड़ना इसको पसंद नहीं है। क्या दौड़ने को रोकना चाहेगा? रोकना चाहेगा तो सपोर्ट करेगा कि अपोज? अपोज। अगर अपोज करेगा तो नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए और साउथ पोल इधर होना चाहिए, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल उधर, मतलब करंट ऐसे। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया कि नहीं आया? सिंपल, कोई खास बात नहीं है। एक और ऐसा कर दो, थोड़े से वीक लगे हल्के से, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी अपन दोबारा से कर लेते हैं। मान लो कि भाई साहब इधर बनाता हूँ, साउथ पोल नॉर्थ पोल वेलोसिटी इधर, बोलो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात कर रहे हो यार? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्या साउथ पोल है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होंगी? दूर जा रहे हैं तो क्या घटेंगी? मतलब क्या अगर ऐसे लूप को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ घट रही है तो क्या खुद भी इधर ही प्रोड्यूस करेगा? इधर प्रोड्यूस करने का मतलब कैसे? एंटी, मेरा तो एंटी क्लॉकवाइज है तुमसे नहीं हुआ यार। क्या आंसर एंटी क्लॉकवाइज है? दूसरा लॉजिक ढूंढ लो। क्या दौड़ना कैसे अट्रैक्ट करना चाहेगा? अट्रैक्ट करना चाहेगा तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अट्रैक्ट क्यों करना चाहेगा? क्योंकि इधर दौड़ रहे तो उसे रोकना चाहेगा, रोकना चाहेगा तो अट्रैक्शन चाहिए, हाँ कि ना? फिर तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? कोई बुरी वाली बात नहीं। और ऐसे कराऊं थोड़ा सा अलग लेवल, पक्की बात। और देख के एग्जाम्पल देखो, सन्नाटा आओ। मान लो मैं आपको बोलूँ की एक लूप है, मान लो मैं आपको बोलूँ की एक लूप है, इस लूप की एक्सिस पे ऊपर से एक मैग्नेट को गिरा दिया गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल ड्रॉप्ड। अगर ये लूप नहीं होता तो कितना एक्सेलरेशन होता? जीरो। हाँ सॉरी जी, कितना होता जी? अब कितना है? ए ऑप्शन सुने, ए इक्वल्स टू जी, बी सुने ए ग्रेटर देन जी, सी सुने ए लेस देन जी। अरे भाई हाँ ना बोलो, लॉजिकल पहले बात को समझते हैं। जब ये नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ेगी, बढ़ेगी इसका मतलब ये किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? ऊपर। किधर? ये ऊपर प्रोड्यूस करेगा तो ऐसे आएगा, तो इसका ऊपर नॉर्थ बनेगा और नीचे साउथ, तो उसको अपोज करा कि सपोर्ट? अपोज सपोर्ट, अपोज सपोर्ट। तो ए लेस देन जी ग्रेटर देन जी, बोलो क्लियर? और मान लो इसकी जगह उल्टा करता, लूप को ऊपर रखता फिक्स्ड और मैग्नेट को नीचे छोड़ता ऐसे, अब Thank you.
जल्दी बोलो सी। कितना सी। कितना सी। कितना सी। अभी भी सी क्यों? ऊपर क्या क्रिएट होगा? ध्यान दो तो लाइन जैसे आ रही है, ग्रेविटी फील्ड नीचे की तरफ घट रही है, तो एक खुद की तरफ प्रोड्यूस करना चाहेगा। ऊपर का मतलब ऐसे, मतलब नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ। यार तुम्हें नहीं आया, आप एक बार लॉजिकली सोचो, सही तो है? खुद ऊपर जनरेट करना चाहेगा ना, एक बनाया क्या मैंने? सही तो बनाया। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ घट रही है, तो खुद भी तो नीचे प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो नॉर्थ सही तो बनाया है। अरे भाई हाँ ना बोले यार, क्या छोड़, एक बार लॉजिकली सोचो, इन ऐसे सभी सवालों का आंसर ए लेस देन जी होगा। लॉजिकली सुना आप, क्यों? रियल दुश्मन कौन है इसमें सोच? जी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो दौड़ता नहीं ना, तो सोच फिजिक्स आती है इसको, रियलिटी में दुश्मन कौन है? कौन है? तो उसे ही नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसे बढ़ाएगा कि कम करेगा? कैसा भी सवाल ले लो, चाहे अपने मैग्नेट को फिक्स करके लूप को छोड़ दो, चाहे लूप को फिक्स करके मैग्नेट को छोड़ दो, चाहे ऊपर से छोड़ो चाहे नीचे से छोड़ो, हमेशा आंसर क्या आएगा? चाहे आप लॉजिक लगा के देख लेना, लॉजिक भी सही बैठेगा। उसका एक मेजर कारण क्या है? रियलिटी में दुश्मन कौन है? जी। और करंट ऐसे बहता है कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया। यार तुम्हें नहीं आया, तो इस तरह हर सवाल में आंसर क्या आएगा? A less than G। अरे क्या आंसर आएगा? A less than G। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमेशा आंसर A less than G आएगा। हाँ, उस वाले केस में, क्योंकि रियलिटी में दुश्मन कौन है, मतलब G पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी चेंज कर दी अपन ने, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कोई सा भी केस लेके देख लेते, मैं ऐसे सवालों की बात कर रहा हूं, ओरिएंटेशन चेंज कर देगा तो सवाल चेंज हो जाएगा। इसमें हाँ क्या हुआ? ऊपर कहां लगा रहे हैं? हम तो नीचे लगा रहे हैं, कहां फोर्स कर रहे हैं? ऐसे होगा। अबे क्यूवी क्रॉस भी थोड़ी है, ये मैग्नेट मैग्नेट का इंटरेक्शन है, चार थोड़ी घूम रही है भाई। अरे बात नहीं, अरे तुम्हें मेरी बात चमकी ना? कितने सवाल करा दी देखना, बहुत। हमने क्या पढ़ा अभी? लेंज लॉ। क्या चीज? चैप्टर की शुरुआत हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो करंट बहता है, एरिया चेंज करो करंट बहता है, एंगल चेंज करो करंट बहता है। हमने सोचा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो करंट बहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते तो करंट बहता है, तो उसके दो एस्पेक्ट कि भाई किधर बहता है, उसके लिए लॉ आया लेंज लॉ। कौन सा आया? कितना बहता है उसके लिए कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ। हेडिंग डालो फैराडेज लॉ। बंद कर दो एसी, मार चमत्कारी आवाज। मतलब तुम्हें समझ में आएगा जब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ाऊंगा, और अच्छे से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ लॉ है समझे उसको। लॉ क्या दिया गया कि भाई साहब ये महसूस करा गया सिंपली कि असलियत में ये बात बोली गई कि भाई ये बात तो क्लियर है कि यार अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे लूप है और इसमें करंट बहा, क्या बहा? तो ऐसा बोला गया कि करंट बही तब सकता है जब कोई ईएमएफ आया हो। क्या आया हो? या बिना या पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस ईएमएफ के ऐसा होना पॉसिबल? तो बोला गया कि रियलिटी में अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फिर बताओ करंट कैसे बहेगा, ये बताओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्लियर। मान लो कि सिस्टम की रेजिस्टेंस आर ओम है, कितनी है? आर ओम। तो ऐसा बोला गया कि दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, इसको ऐसे बनाया जा सकता है
ये सिस्टम की क्या है, आर रेजिस्टेंस, और ये इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, क्या बोलते हैं इसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही इस लूप में क्या बहा, करंट, और वो करंट की वैल्यू कितनी हुई, वो करंट की वैल्यू हुई ई बाई आर, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। तो फैराडेज़ लॉ डायरेक्ट आई न देते हुए क्या देता है, ई e. क्या देता है e. क्या देता है e. क्या देता है e. यार नहीं आया, अरे नहीं आया। असल में ऐसा हमें क्यों एहसास हुआ, क्योंकि हमने एक ही रेडियस की रिंग रखी, हमने एक ही रेडियस की, बट एक बार कॉपर की एक बार आयरन की, तो रेजिस्टेंस सेम रही कि अलग, तो हमने देखा करंट अलग अलग था। इसका मतलब करंट कॉमन चीज है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉमन चीज है, इसलिए हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। बोले चमका तुमको मैंने ऐसा क्यों करा, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने एक ही रेडियस की रिंग ली हमने। अब अगर हम उसमें, हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम आयरन की लें तो अलग करंट बहता है, और तो आयरन और कॉपर रखने में क्या चीज अलग हुई, रेजिस्टेंस, तो उनकी एक कॉमन चीज आई जो ईएमएफ था, क्या चीज, ईएमएफ, वो दोनों में सेम रहा। इसलिए किसी भी लूप के लिए क्या डिफाइन करा गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वरना अगर हम करंट डिफाइन करते तो हमें हर मटेरियल के लिए, इसलिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफाइन करा, जिसे हम फैराडेज लॉ बोलते हैं। पहले था जो बोला चमका यार नहीं आया, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप है, उसकी रियलिटी में डेफिनेशन है माइनस डी फाई बाई डी टी। सिंपल, माइनस टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन पर हम लेंज लॉ से सीख चुके हैं, परेशान होने की कोई जरूरत। व्हाट इज फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज फाई, एक बात समझो, फ्लक्स जीरो, मतलब ऐसे समझो फ्लक्स जीरो नहीं, फ्लक्स कॉन्स्टेंट, तो डी फाई बाई डी टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, तो करंट, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट। इसे सिंपली ये बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ, सिंपल, जितनी रफ्तार में परिवर्तन करोगे क्या उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, नहीं आया, धीरे धीरे करोगे तो धीरे, कम कम, तेज तेज करोगे तो ज्यादा ज्यादा। हमें सिंपली इस बात से मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नथिंग बट, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। और डायरेक्शन हम कहां से निकाल चुके हैं, लेंज लॉ से, कहां से, पर अगर फैराडेज लॉ की बात करी जाए तो वो ऐसे होता है, उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, क्या बोलते हैं। अब आप एक सिंपल सी बात समझ लो, प्योर गणित है, अब आज के लेक्चर में जो भी बच रहा है वो ध्यान से सुन अच्छे से। आप सवाल कब सॉल्व कर पाओगे, अगर आपके पास फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ, क्या आप उसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, कर सकते हो नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करो, रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, आंसर खत्म, कोई रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है, जो सिंपल सवाल है, कोई तकलीफ नहीं होती इनमें, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, सिंपल, आपको लॉ समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन आप लेंज लॉ से जानते हो, बोलो जानते हो कि नहीं जानते, दैट्स इट, खत्म, बस। अब ध्यान दो तो फ्लक्स चेंज करने कितने वेरिएशन हो सकते हैं, या तो बी वेरी करो, या ए वेरी करो, या थीटा, तो उसमें सवाल बनेंगे बस बेसिकली, या सोच क्या, बी वेरी करो, ए वेरी करो, थीटा वेरी करो, ज्यादा करो तो दो दो वेरी कर लो, पागल हो जाओ तीनों वेरी कर लो। हालांकि आता नहीं ऐसा कोई भी लॉजिक वाली लॉजिकल बात, बट फिर भी अपन समझे, तो पहले था जो बोला चमका, अब बस वही सवाल आते हैं, जैसे मान लो एक सवाल आपको कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, देख ध्यान से। मान लो मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि भाई साहब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देखना सिंपल सवाल, गलत मत करियो, सन्नाटो है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अपना लूप आर है, ऐसे अपने रेजिस्टेंस इसकी आर ओम है, मैं आपको बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट टी स्क्वायर प्लस टू टी है, बोलो क्लियर। आपसे पूछे फाइंड करंट एट 2 सेकंड, क्या बता सकते हो, बता दो उसमें क्या है, करो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, 6B0, जल्दी बोलो सन्नाटो, कुछ भी खास बात नहीं, बताओ क्या फ्लक्स कितना है, बता दो तुम, तो क्या बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू टी, बोलिए सॉल्व करो, अगर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें डिफरेंशिएट कर लें, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टू टी प्लस टू, बोलिए सॉल्व करो, अरे हाँ ना, बोलिए यार पक्की बात, अगर अपन ध्यान देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, अरे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है घट रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट बढ़ेगा, सॉरी करंट कैसे बढ़ेगा, आंटी अंकल, आंटी अंकल, कोई खास बात नहीं, करंट की वैल्यू कितनी हो गई,
वी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर टाइम दो सेकेंड चार प्लस दो छः। आंटी तो बोला अरे अरे तुमसे नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ। अब फालतू कभी टाइम पास करना दो तीन सवाल कराता हूँ, मेरे को तो बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा क्या सवाल कर लेगा, करेगा नहीं करेगा, कभी घटा लेगा कभी बढ़ा लेगा, कभी साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन टी का फंक्शन, ये फंक्शन कोई भी फंक्शन हो, अब सिर्फ गणित है उसमें कोई रॉकेट साइंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सवाल नहीं मिलेंगे, खूब सारे मिलेंगे, करते रहो। उसमें क्या है भाई, इफ अगर हमें बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है, मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना आता है और मुझे करंट भी निकालना आता है, बोल आता है कि नहीं आता। अब एक सवाल करो पांच करो कॉन्सेप्ट तो सेम है, बोल है कि नहीं यार, थोड़ा सा अलग करते देख ध्यान से, देख इधर देख इधर। मान लो कि ऐसे मेरे डिब्बे खुपाच 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 b बराबर अब b नॉट अब t स्क्वायर अब प्लस t क्यूब b नॉट t स्क्वायर प्लस t क्यूब है ना, रेडियस आर रेस्टेंस फाइंड चार्ज फ्लोन इन द लूप इन टी नॉट टाइम क्या करा क्या पहले आई निकाल ले पहले डी फाइव डी टी निकाल ले ई की अभी कितनी आई ढंग से लिखता हूं बी नॉट पाई आर स्क्वायर टू डी अब प्लस थ्री डी स्क्वायर टी नॉट खाल बाय आर आर। अब क्या करो क्या करो डी क्यू बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी इंटीग्रेशन कर लो अब बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर इंटीग्रेशन टू थी डी थी प्लस थ्री टी स्क्वायर डी थी जीरो टू टी नॉट जीरो टू टी नॉट ढिचक 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 कितना आया अब बी नॉट पायर स्क्वायर बाई आर टी स्क्वायर यानी कि टी नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट क्यूब। बोल सही बोल रहा हूँ क्या yes, तुम्हें कुछ नॉनसेंस नहीं लगा yes, क्या नॉनसेंस लगा yes, साला पहले इंटीग्रेट करा पहले डिफरेंशिएट करा फिर तो ये तो चमका कि अपन ने कुछ नॉनसेंस। ऑल द आंसर इज करेक्ट प्रोसीजर इज करेक्ट बट हमने कुछ तो नॉनसेंस क्या है हमें समझ में आया। सो देर इज अ स्मॉल देर इज अ शॉर्ट प्रोसीजर फॉर इट ऑब्वियसली वो हमें समझना होगा अगर हम बहुत ध्यान समझें ये सही है गलत नहीं है बट ये सवाल इसलिए कराया कि मैं आपको शॉर्ट प्रोसीजर समझा सकूं। ई बराबर डी फाइव बाई डी टी दिस गिव्स यू व्हाट इंस्टेंटेनियस और एवरेज सपोज आई विल टॉक यू अबाउट ई एवरेज व्हाट यू विल राइट बोल यस और नो यार तुम्हें नहीं आया अरे नहीं आया अच्छा बट व्हाट इज आई ई एवरेज पहली बात ये ध्यान में रखें ये काम आता है कई बार ई एवरेज पूछ लेते हैं कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछेंगे तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा फाई का क्या मतलब चेंज इन फ्लक्स चेंज इन अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम पहली बात। अच्छा ई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी ठीक भाई सुंदर बढ़िया ई एवरेज को क्या लिख सकते हैं आई एवरेज बाई आर आई एवरेज बाई सही तो लिख रहा हूं इंटू आर सॉरी इंटू आर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बट वॉट इज आई एवरेज चार्ज फ्लोन अपॉन डेल्टा टी नहीं आया वॉट इज आई एवरेज चार्ज फ्लोन इंटू डेल्टा टी इक्वल इंटू आर तो दिस बराबर दिस डेल्टा टी ने डेल्टा टी को वॉट इज क्यू फ्लोन
डेल्टा फाई बाई आर अप्लाई डायरेक्टली ओवर हेयर क्यू फ्लोन डेल्टा फाई व्हाट इज फाई इनिशियल जीरो व्हाट इज फाई फाइनल बी नॉट फाई आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट क्यूब बाई आर आंसर अरे आया नहीं आया अरे भाई आया नहीं आया पक्की बात सोच लो इसलिए सब काम आता है याद होना चाहिए सब देख मान ले मैं तेरे को बोलूं कि ऐसे लूप है समझ में आ जाएगी बात रेडी है सर इसको ऐसे घुमाया बोलो क्लियर इसकी रेजिस्टेंस से आ रहा हूँ ये है बी नॉट बोलो क्लियर पूछा फाइंड चार्ज फ्लोन ओरली भी बोल सकता है फाइंड चार्ज फ्लोन व्हेन लूप इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री ओरली भी बोल सकता है पहले तो क्या पहले बी और ए में एंगल जीरो था अब बाद में क्या 180 हो गया तो पहले फ्लक्स बी ए था अब माइनस बी ए तो चेंज कितना हुआ 2BA कितना हुआ तो आंसर है 2BA बाई आर और ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बोल है कि नहीं है अगर 90 डिग्री घुमाता तो कितना पक्की बात सोच लो नहीं आया खत्म और देख एक जामफल एक बड़ा लूप रेडियस ए करंट आई बराबर आई नॉट टी स्क्वायर एक छोटा लूप रेडियस बी रेजिस्टेंस आर ओम बोलो क्लियर बी इज लेस देन ए पक्की बात फाइंड करंट इन स्मॉलर लूप फाइंड करंट इन स्मॉलर लूप फाइंड करंट इन स्मॉलर लूप पहले तो इसका क्या मतलब है ये क्यों दिया मैंने सर वो लगभग कांस्टेंट है क्या इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 आर है यस सर अगर बी बहुत छोटा है तो क्या उसे कांस्टेंट मान सकते हैं यस सर अंदर वाले लूप के लिए किसके लिए अंदर वाले लूप का अगर आप फ्लक्स देखें फ्लक्स इन बी इज बेसिकली क्या लिखा जाएगा म्यू नॉट आई आई की जगह आई नॉट टी स्क्वायर बाई 2 ए इनटू एरिया दैट इज पाई बी स्क्वायर बोल यस और नो This is a flux in B due to current in the one. बोल yes or no. यार मुझे लगा ही तो मैं आया बस अब क्या था फ्लक्स आ गया इसे डिफरेंशिएट कर लो तो इंड्यूस ईएमएफ आई आर इज द करेक्ट आंसर यानी कि म्यू नॉट आई नॉट पाई बी स्क्वायर बाई 2 ए आर 2 टी नॉट बोल यस और नो यार मुझे नहीं आया यार तुम्हें नहीं आया आया नहीं आया हो गया अरे बोलो बोला yes, sir. और दे तब कर लेते हैं बराबर आई नॉट टी स्क्वायर यहां से ए दूरी पे एक लूप है जिसकी लेंथ एल है
जिसकी रेजिस्टेंस आर ओम है. बोलो क्लियर. फाइंड द करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. फाइंड आउट द करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. हाँ भाई, जल्दी करो जल्दी करो. मैं बताऊँ क्या करें. बोलो जल्दी क्या करें. जल्दी बोलो. एक्स पे जाके डी एक्स की एक स्ट्रिप ले लो. इस स्ट्रिप में मैंने फील कितनी है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई. तो इसमें छोटा सा जो फ्लक्स है डी फाई वो कितना है, वो है म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स इंटू एरिया. एरिया कितना हुआ, एल डी एक्स बाई एक्स लिमिट ए से ए प्लस एल. टोटल फ्लक्स के लिए टोटल फ्लक्स कितना आया, म्यू नॉट आई टू पाई एल एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए. यार मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया. अरे आया कि नहीं आया, ये फ्लक्स आया. यहाँ पे आई की जगह क्या रख दो, आई नॉट टी स्क्वायर. डिफ्रेंशिएट करोगे तो बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, तो टू ने टू को मार दिया. डायरेक्ट करंट लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे. म्यू नॉट, म्यू नॉट आई नॉट एल बाई पाई एल एन आर नीचे ए प्लस एल बाई ए इंटू टी. यार तुमसे नहीं हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो चमका एकदम पक्का 101%. और देख वही जो भी कराया था. मान लो ऐसे लूप है, रेडियस आर है, इस लूप की रेजिस्टेंस आर ओम है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, घूमने की रफ्तार ओमेगा है, घूमने की रफ्तार ओमेगा है. पक्की बात. आपसे बोला गया ड्रॉ करंट टाइम ग्राफ. नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा. ये इतना टफ क्यों लग रहा है, किसी टाइम टी में ऐसे घूम जाएगा, कितना एंगल घूमेगा, ओमेगा टी, तो कितना एरिया होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी. तो बी बराबर बी नॉट पाई आर स्क्वायर, नहीं हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा होता है ना, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी. तो ये फ्लक्स आ गया, क्या आ गया, डिफरेंशिएट कर लो तो करंट आ गया ई बाई आर. कितना आया, बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर. कॉन्स्टेंट आ गया करंट, तो क्या बुराई उसमें आ गया. पर क्या सोचना था, ये करंट आंटी है कि अंकल, आंटी अंकल आंटी, फिर बाहर निकलेगा तब, पर रहेगा इतना ही. और कितनी देर बाद चक्कर काट लेगा ये, टी बाई टू, टी बाई मतलब पाई बाई ओमेगा टाइम बाद. कितना, तो ध्यान से देखो, तो हर पाई बाई ओमेगा टाइम बाद करंट विल चेंज इट्स ओन डायरेक्शन. पाई बाई ओमेगा टू पाई बाई ओमेगा थ्री पाई बाई ओमेगा 4 पाई बाई ओमेगा 5 पाई बाई ओमेगा 6 पाई बाई ओमेगा 7 पाई बाई ओमेगा 8 पाई बाई ओमेगा.
नहीं आया? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सन्नाटो हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई? चलो आ जाओ। Rate loop, radius r, discount, resistance r ohm, discount, ऐसे t equals to 0 पे omega से चालू होता है, ऐसे b बराबर b naught. Find current as a function of time t. पहले तो अभी बी और ए में कितना एंगल है? जीरो। टी टाइम में कितना हो जाएगा? खत्म, सवाल ही खत्म। फ्लक्स क्या हो गया? बी नॉट पाई आर स्क्वायर साइन डी कॉस ओमेगा। सोच अगर मैं टी इक्वल टू जीरो पे बी और ए के बीच का एंगल जीरो ले रहा हूँ, बी और ए के बीच का एंगल जीरो, तो ओमेगा टी आ रहा है। सोच 30 डिग्री लेता तो क्या ओमेगा टी प्लस 30 आता? तो बेसिकली ओमेगा टी प्लस 5 कुछ भी जनरल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है ना। अपन को तो इंड्यूस से मतलब, इंड्यूस ईएमएफ क्या है? इंड्यूस ईएमएफ भाई आर बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। बोल यस और नो? यार तुम्हें नहीं आया। अगर आप इंड्यूस ईएमएफ की बात करो तो आर आर दोनों तरफ से हटा दो तो इंड्यूस ईएमएफ। ध्यान दे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आया? इंड्यूस ईएमएफ आया सम कांस्टेंट ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। अगर जनरलाइज करो तो क्या साइन ओमेगा टी प्लस 5? साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका जो करंट आया वो आया ई नॉट बाई आर, यानी कि ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोल यस और नो? क्यों मैं इतनी डिटेल इसकी बता रहा हूँ, ध्यान सुन। इसका ग्राफ अगर बनाओगे साइन माइन का तो क्या साइन का कर्व ऐसा आएगा? ये टी और ये करंट। बोल यस और नो? अरे यही तो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों में आता है। हमारे घरों में आने वाला करंट यही है। इस सप्लाई को इंड्यूस ईएमएफ को ऐसे बनाते हैं, एसी सप्लाई। हमारे घरों में यही सप्लाई आ रही है। जब एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो क्या ऐसी ऐसा करंट प्रोड्यूस होता है? हमारे घरों में यही सप्लाई है। इसकी डिटेल हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? एसी, इसी के आगे पढ़ेंगे। यहीं से चालू हुआ चैप्टर। अरे भाई हाँ ना बोल। सोच किसी भी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओ, किसमें घुमाओ, तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है? क्या ऐसे ही प्रोड्यूस होता है? सोच इस लूप को कैसे घुमा सकते हैं? मोटर लगा दो। क्या लगा दो? मोटर किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। मोटर से क्या घुमाया? लूप। फिर क्या प्रोड्यूस करा? तो ये कद्दू उखाड़ा साले पे। इसे बोलते हैं टर्बाइन। क्या बोलते हैं? ये घुमाने का ही तरीके। थर्मल पावर प्लांट, कोयला जलाओ। क्या जलाओ? कोयला। पानी गर्म करो, भाप बनाओ, भाप इस पे गिराओ, क्या प्रेशर से गिरेगी? क्या घूमेगा? तो करंट प्रोड्यूस होगा। अरे भाई हाँ ना बोल। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करो, न्यूक्लियर एनर्जी से पानी गर्म करो, उससे क्या बनाओ? भाप। फिर इस पे गिराओ। विंड मिल, क्या पवन चक्की घुमाती है? कौन घुमाता है? हाइड्रो पावर प्लांट्स, पानी ऊपर से गिराते हैं। अरे यार सब में कॉमन चीज यही है। इसे बोलते हैं टर्बाइन। क्या बोलते हैं? एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू एसी, और वो एसी का पूरा एक चैप्टर अलग से। पर ये निकलता है ईएमआई से ही है। कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? ईएमआई से। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? सोच लो।